मुंबई में एक कॉमेडियन था, एक कॉमेडी शो करने वाला एक व्यक्ति था, और वो जगह जगह जाके शो किया करता था, कॉमेडी के शो करता था और लोग हंसते थे। लेकिन एक बार उसने कुछ अजीब किया, एक बार उसने कुछ अजीब किया, और अजीब ये किया उसने, वो शो में गया और उसने एक बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया, सब लोग हंसने लगे, कई लोग तो इतने हंसे कि कुर्सी से नीचे गिर गए हंसते हंसते, और कई लोग हंसने के बाद फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हंस रहे थे, इतना अच्छा चुटकुला सुनाया उसने। लेकिन जब सब लोग हंस चुके, सब शांत हो गए, उसने वो ही चुटकुला सेम एक बार और सुना दिया, तब की बार 70% के करीब लोग हंसे, 30 चुप थे। उसने काम और किया, वही चुटकुला एक और बार सुनाया, तीसरी बार जब सब लोग शांत हो गए थे, तब की बार सिर्फ 30% लोग हंसे, बाकी सब चुप थे, और बड़ी जल्दी सब समाप्त हो गया। उसने काम और किया, उसने वही पहले वाला चुटकुला सेम चुटकुला तीसरी बार भी सुना दिया, अब बस मात्र 5% लोग हॉल में हंसे, और जल्दी ही वो सब शांत हो गए, और उसने एक और काम किया, और वो सेम चुटकुला उसने चौथी बार सुनाया, और अब की बार कोई भी नहीं हंसा, क्योंकि एक ही चुटकुला 4 बार उन्होंने उसी हॉल में सेम टाइम सुना था, अब कोई भी हंसा नहीं। तब उस कॉमेडियन ने एक बड़ी काम की बात बोली, उसने कहा, जब आप एक हंसी की बात सुनकर, एक ही हंसी की बात बार बार सुनकर बार बार हंस नहीं सकते, तो एक गम की बात सुनकर बार बार गम क्यों मनाते हो? हेलो, एक हंसी की बात सेम बार बार सुनकर आप दोबारा नहीं हंस सकते, बार बार नहीं हंस सकते, तो एक गम की बात सुनकर आप हर बार इतने ज्यादा गमगीन क्यों हो जाते हैं? तो समझ में आया, हमें समझ में आया कि कुछ चीजों को हमें नजरअंदाज करना अपनी लाइफ के अंदर, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। मैं आपको परमेश्वर को वचन बताने से पहले बात बताना चाहूंगा, चुनौती दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल को कई बार पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, बाइबल का कोई भी ऐसा पात्र नहीं था जिसको प्रभु ने इस रीति से पैदा किया हो कि उसके सामने कभी कोई चुनौती नहीं थी। हर व्यक्ति के पास चुनौती है, हर जगह चुनौती है, दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां चुनौती नहीं है। कई लोग ये समझते हैं, काश मेरी शादी उससे होती तो मैं बहुत बेहतर होता, आज मैं इन चुनौतियों का सामना ना कर रहा होता। कई लोग कहते हैं, काश मैं ऐसे घर में पैदा हुआ होता तो मैं वहां चुनौतियों का सामना ना कर रहा होता। कई लोग कहते हैं, काश मेरा एक चोड़ी ये ना हो के वो होता तो मैं आज चुनौतियों का सामना ना कर रहा होता। कई लोग कहते हैं, काश मैं इस देश में पैदा हुआ, मैं किसी और देश में पैदा होता तो मैं चुनौतियों का सामना ना कर रहा होता। ये सिर्फ एक गलत फहमी है, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहां पर चुनौतियां नहीं है, चैलेंज नहीं है, जहां पर समस्याएं नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सारी चुनौतियों के बीच में आप प्रभु के ऊपर भरोसा करने के बाद क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक बिलीवर हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया, अगर आप प्रभु में चलते हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप एक बिलीवर हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आप उन चुनौतियों के मध्य में, उन सारे चैलेंजेस के बीच में आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, यह मायना रखता है। आप क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, आपका एक्ट क्या है, वो मायना रखता है। बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जिसके जीवन में चुनौती नहीं थी? क्या मूसा के जीवन में चुनौती नहीं थी? जब वो पैदा हुआ, मिस्र के राजा की आज्ञा थी कि बेटे मार दिए जाएंगे, सिर्फ बेटियां रखी जाएंगी। इन हालातों में उसका जन्म हुआ, वो इज़राइल का सबसे बड़ा अगुआ बना खुदावंद यीशु मसीह के बाद।
क्या उसके जीवन में चुनौती नहीं थी? मां ने बचपन में उसके टोकरी में डाला और पानी में छोड़ दिया, राल लगाकर, लेप लगाकर। क्या दाऊद के जीवन में चुनौतियां नहीं थी? जिन लोगों के साथ वो भलाइयां कर रहा है वो उसके अगेंस्ट आ गए। क्या मैं आपको कहना चाहूंगा एस्तर के जीवन में चुनौती नहीं आई? यस आई। क्या यीशु मसीह के साथ रहते हुए 12 चेले एक ही नाव में यीशु मसीह साथ में है? भैया मेरी बात सुनिए, प्लीज सुनिए, यीशु मसीह नाव में है और चेले नाव में है। मात्र कुछ इंच का डिस्टेंस है यीशु मसीह और चेलों के बीच में, मात्र कुछ इंच का डिस्टेंस है। एक नाव में बैठे हैं, कितनी दूर होंगे यीशु मसीह? दुनिया का बनाने वाला नाव में साथ है, क्या वहां तूफान नहीं आया? अब दुनिया का बनाने वाला साथ है तो भी चुनौती है। कहां चैलेंज नहीं है, कहां चुनौतियां नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर समस्या नहीं है? हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं कि मैं जगह बदल लूंगा, मैं सिटी बदल लूंगा, मैं स्थान बदल लूंगा, मैं लोग बदल लूंगा, मैं नौकरी बदल लूंगा। कहां चुनौती नहीं है? महत्वपूर्ण ये है उन चुनौतियों के बीच में आपका रिएक्ट क्या है, आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको चुनौतियों के ऊपर जय पाने के लिए एक छोटा सा संदेश बोलना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे करने के लिए बाध्य नहीं है जो आप कह रहे हैं, परमेश्वर उसे करने के लिए बाध्य है जो उसने आपके विषय में कहा है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, परमेश्वर उस बात को करने के लिए मजबूर नहीं है जो आप कह रहे हैं, परमेश्वर उस बात को करने के लिए मजबूर यानी बाध्य है, खड़े हैं जो उन्होंने आपके विषय में करने के लिए कहा है। वो अपनी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रभु ने इसराइलियों को कहा था, मैं तुम्हें कनान दूंगा, वो देश जिसमें दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। भैया इसकी आवाजें बहुत अजीब आ रही हैं, प्लीज इसको ठीक करें। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसमें दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। यह प्रतिज्ञा थी, यह प्रॉमिस था खुदा का। और याद रखिए मेरे प्रियो, जब प्रभु ने यह प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसमें दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा, यह वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा का देश देने का वायदा इसराइलियों से किया था, अब्राहम के वंशज से किया था। जब ये मिस्र की गुलामी से बाहर निकले, कौन कहता इनके सामने चुनौतियां नहीं आई? मिस्र से निकलते उनको लाल सागर दिखाई पड़ा, उसके बाद कड़वा पानी, उसके बाद भोजन की कमी, और देखिए कितनी सारी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इसराइली कनान के बॉर्डर पे थे, मूसा ने 12 लोगों को भेजा, जाओ कनान का भेद लेकर आओ। मालूम है उनका सबसे बड़ा पाप क्या था? उन 10 लोगों ने आके कहा, हम उस देश में कभी ना जा पाएंगे। जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा, गिनती की किताब 13 और 14 अध्याय में लिखा है, उनका सबसे बड़ा पाप यह था कि उन्होंने परमेश्वर के प्रॉमिस पे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे यकीन नहीं किया। उन्होंने वहां कुछ चुनौतियां देखी, उन्होंने कहा वहां दानव है, नपीली जाति के लोग हैं, उनका कद हमसे बड़ा है, और ये सारे हालातों को देखने के बाद उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के प्रॉमिस के ऊपर डाउट किया। इसीलिए गिनती 14 में लिखा, प्रभु ने कहा ये प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएंगे, वायदे के देश में नहीं जाएंगे। दूसरे शब्दों में बोलूं, परमेश्वर ने कहा मैंने इनसे कोई कमिटमेंट किया था, मैंने इनसे प्रतिज्ञा की थी, मैंने इनसे कमिटमेंट किया था, और मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बाध्य हूं, मैं करूंगा। लेकिन ये वहां जाएंगे नहीं, इसका कारण ये है क्योंकि इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा पे यकीन नहीं किया, जो मैंने प्रॉमिस किया उस पर यकीन नहीं किया। प्रभु दूसरे शब्दों में ये कह रहे थे, जब मैं प्रॉमिस करता हूं चैलेंज आ सकते हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन मेरे प्रॉमिस के लिए मैं जिम्मेवार हूं, जो मैंने कहा है मैं उसको पूरा करूंगा। बोलिए आमीन।
चले जाएंगे, समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी। प्रभु कहते जो मैंने कहा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं पूरा करूंगा, कैसे भी करूं मैंने जो कहा वो होगा। बोलिए आमीन। यही सेम घटना आप वहां देख सकते हैं, लूका 8 में यीशु ने कहा हम झील के पार जाएंगे और चेले घबरा गए तूफान को देखकर, आंधी को देखकर, लहरों को देखकर। इसलिए यीशु ने लूका 8 में 22 से आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा है 9 में इस प्रकार अपने चेलों को एक सवाल पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां था? प्रभु के पूछने का अर्थ यही था, तुमने मेरे प्रॉमिस पे यकीन नहीं किया, मैं प्रतिज्ञा का परमेश्वर हूं। चले जाएंगे, मैं आपको कहना चाहूंगा चुनौतियां सब जगह हैं, आपका रिएक्ट क्या है, आप क्या कह रहे हैं चुनौतियों को देखकर, आप क्या बोल रहे हैं चुनौतियों को देखकर। अगर चुनौती आई और आप ये कह रहे हैं ओके ठीक है चुनौती है, स्टिल समस्या है, अभी भी मेडिकल रिपोर्ट खराब है, अभी भी मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, अभी भी रिश्तों में तनाव है, लेकिन ठीक है ये सब एक तरफ, लेकिन मेरे परमेश्वर का प्रॉमिस है वो इन सब बातों के ऊपर मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। भाई बहन में लिखा परमेश्वर मूसा को कहते हैं मैं इनको नाश कर दूंगा, इनको मिटा दूंगा। गिनती 14 में परमेश्वर ने कहा मैंने समाप्त करूंगा। तब मूसा ने परमेश्वर को एक बात बोली और नेक्स्ट वर्सेस में लिखा था परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया और प्रभु ने कहा ठीक है ओके मैं इनको खत्म नहीं करता। मालूम है मूसा ने खुदा को क्या याद दिलाया? उसने कहा प्रभु आपने इनसे कहा था मैं तुम्हें प्रॉमिस लैंड दूंगा, जो वायदा आपने किया था कि मैं तुम्हें वायदे का देश दूंगा, प्रतिज्ञा का देश दूंगा, अब अगर आप इन्हें रस्ते में मार देंगे तो आसपास की जातियां कहेंगी इनका परमेश्वर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। खुदा कहता अच्छा ऐसा है ओके ठीक है नहीं मारता। हेलो खुदा कहता ठीक है अगर ऐसी बात है ओके छोड़ दिया मैंने इनको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है जो आप कह रहे हैं, परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए बाध्य है जो वो आपसे अपनी तरफ से कहते हैं। बोलिए आमीन। परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए बाध्य है जो उन्होंने आपको कहा। मैं कहूंगा मेरे प्रियो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, अगर आप रोमियो की किताब 4 अध्याय पढ़ेंगे वहां पर लिखा है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया और उसको कहा मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा आसमान के तारे जो गिन पाएगा वो तेरी औलाद को गिन पाएगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम अब्राहम है, और उससे एक प्रतिज्ञा दी, उसे एक प्रतिज्ञा दी मैं तुझे औलाद दूंगा इतनी कि जितने आसमान के तारे, कोई अगर कोई आसमान के तारे गिन पाए तो वो तेरी औलाद को गिन पाएगा। याद रखिए रोमियो की किताब 4 अध्याय में लिखा है 13 पद से आगे पढ़ेंगे, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। यहां लिखा है 13 में क्योंकि यह है प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा। बाइबल में अगले हिस्सों में अगर आप पढ़ेंगे यह प्रतिज्ञा थी परमेश्वर की कि मैं, ये प्रॉमिस था, इंग्लिश में इसको प्रॉमिस कह सकते हैं, यह परमेश्वर का प्रॉमिस था अब्राहम के लिए कि मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे वंश दूंगा। और वचन ऐसा कहता है 19 पद में लिखा है और वह जो 100 वर्ष का था अपने शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रॉमिस पर संदेह किया। हिंदी में लिखा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया उसने। याद रखना मैं आपको कहना चाहूंगा अब्राहम 100 साल का था, उसका शरीर बुढ़ा हो चुका था, वो निर्बल अपने शरीर को देख रहा था और सारा की निर्बल कोक को देख रहा था, लेकिन रोमियो का लिखने वाला कहता है उसके 19 आयत में यह लिखा है और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए 100 साल की उम्र में उसके मरे हुए शरीर और सारा की मरी हुई कोख
सूखी हुई कोख को नया बनाकर इस उम्र में परमेश्वर ने उसको इसलिए संतान दी। आगे देखिए, मालूम है उसको इतनी विपरीत परिस्थिति में ब्लेसिंग मिलने का एक कारण था। आगे देखें प्लीज, आगे देखें, मैं कहूंगा बाइबल पढ़ ली गई है, आगे देखें। मालूम है 100 साल की उम्र में एक व्यक्ति बुढ़ा हो चुका है, उसकी पत्नी की कोख सुकुड़ चुकी है, कोई चांसेस नहीं, मेडिकली कोई चांसेस नहीं कि उसको औलाद पैदा हो सके, या डॉक्टर फेल हैं या मेडिकल फेल हैं। लेकिन आपको मालूम है उसको उस उम्र में उन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ने एक बेटा दिया। कैसे? हिंदी की बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर के प्रॉमिस के लिए एक पॉजिटिव रिएक्ट किया, उसने परमेश्वर के प्रॉमिस को सुनने के बाद उस प्रॉमिस के ऊपर संदेह नहीं किया, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस के ऊपर संदेह नहीं किया, उसने उसके ऊपर विश्वास किया। और अगली आयतों में लिखा है उसको यह पता था कि जो प्रॉमिस करना जानता है वो उसको पूरा भी करना जानता है। बोलिए आमीन। उसको पता था मैं जिसके पीछे निकला हूं, मैं जिसके पीछे चल रहा हूं, वो केवल वायदे ही नहीं करता, केवल प्रॉमिस ही नहीं करता, वो उन प्रॉमिसेस को, उन प्रतिज्ञाओं को, उन वायदों को पूरा भी करने के योग्य है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा चुनौती कहां नहीं है, चैलेंजेस कहां नहीं है, हर जगह है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां चैलेंजेस नहीं है, लेकिन बस उन चुनौतियों के बीच में आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में क्या रिएक्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण है, आप क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको कहना चाहूंगा बाइबल में लिखा है प्रतिज्ञाओं को, यहां रोमियो 4 में लिखा है अब्राहम ने कहा कि जिसने उससे प्रतिज्ञा की, प्रॉमिस किया, वायदा किया, वो धर्मी और विश्वास योग्य है। आमेन। आनंद से बोलिए आमेन। बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल कहती है वो इसराइलियों का सबसे बड़ा पाप ये था, उन्होंने उस प्रतिज्ञा के देश पर यकीन नहीं किया, उस प्रतिज्ञा के देश प्रॉमिस लैंड में ले जाने वाले अगुए को, जिस अगुए को परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया, उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। और अगली आयत में लिखा है गिनती 14 में उन्होंने प्रॉमिस करने वाले, प्रतिज्ञा वायदा करने वाले परमेश्वर के ऊपर भी यकीन नहीं किया, ये उनका सबसे बड़ा पाप था। वहां दानव, वहां नपीली जाति वाले लोग, बड़े डील डोले वाले लोगों का सामना करना चुनौती नहीं थी, चुनौती थी अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास ना करना, अपने परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर फेथ ना करना। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, चैलेंजेस आएंगे लाइफ के अंदर, अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां नहीं है ना तो आप कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकते। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा इस बात को ताकि आप इसको सुन सकें, अगर आपके जीवन में चुनौतियां नहीं है ना आप कभी ऊंचा नहीं उठ सकते, आप कभी ऊंचा नहीं उठेंगे। याद रखिए चुनौतियां आपको बुलंदियों पे लेके जाती हैं। मैं बाइबल में से बोल रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अगर दाऊद एक दुआ करता, सोच के देखो, दाऊद एक दुआ करता और उसकी दुआ ऐसे होती, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु जकरिया 2:5 के अनुसार मेरे चारों आग की बाढ़ लगा दे और कभी कोई भालू और शेर मेरे झुंड के निकट ना आने पाए। उसने ऐसी कोई दुआ नहीं की, कभी कोई भालू और शेर मेरे झुंड के निकट ना आने पाए, उसने ऐसी कोई दुआ नहीं की। कोई दुआ बाइबल में दाऊद की ऐसी नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अगर दाऊद के रूप में एक शेर रूपी चुनौती थी, एक शेर आया उसके भेड़ के बच्चे को उठा के ले गया, एक भालू आया उसके भेड़ के बच्चे को उठा के ले गया, अगर दाऊद के जीवन में ये दो चुनौतियां ना आती और वो इन दो को नहीं मारता तो कभी भी हिम्मत ना जुटा पाता गत के गोलियत को मारने की। और याद रखना अगर वो गत के गोलियत को ना मारता तो कभी भी इसराइल का राजा ना बनता। दाऊद के जीवन में शेर रूपी चुनौती, भालू रूपी चुनौती, गत के गोलियत रूपी चुनौती एक मार्ग था उसको राजा के सिंहासन तक ले जाने के लिए। बोलिए आमीन।
अगर आपकी जिंदगी में चुनौती नहीं है, आप कभी भी वहां नहीं होंगे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। अब सवाल ये, चुनौतियां आती क्यों हैं हमारे जीवन में, चैलेंजेस क्यों हैं? बाइबल में लिखा परमेश्वर ये नहीं चाहते थे इज़राइली बिना अनुभव के रहे। हिंदी की बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर ने उस मार्ग में लड़ाइयां होने दी इसलिए ताकि इज़राइली युद्ध विद्या सीख जाएं। ओ बोलिए हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप सिर्फ छिपके कायर और निर्बल बने बैठे रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं आप एक योद्धा बने। आमेन। परमेश्वर ने इसराइलियों के उस मार्ग में कई बार लड़ाइयों को होने दिया जब उस यात्रा में थे। मालूम है क्यों? इसलिए लड़ाइयों को होने दिया, उनको कनान में जाकर लड़ाइयां लड़नी पड़ी। क्यों? परमेश्वर चाहता था वो कायरों के जैसे ना बैठे, वो निर्बलों के जैसे ना बैठे, वो कनान में घूमे एक योद्धा के जैसे, वो कनान में चले फिरे एक वीर शूरमा के जैसे, वो कनान में घूमे फिरे एक जीते हुए योद्धा और सैनिक के समान। बोलिए आमीन। कोई कहे आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग बिना युद्ध विद्या सीखे रहे। मैं आपको कहना चाहूंगा चैलेंजेस आपको ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन चुनौतियां आने के बाद आप अपने परमेश्वर के प्रोमिसेस के ऊपर संदेह करते हैं, विश्वास करते हैं, ये बात आपके फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। ये बात उस ये आप उन चुनौतियों के बीच में अपने परमेश्वर के वायदों पर संदेह करते हैं या विश्वास करते हैं, अंत वैसा ही होगा। अगर आपने विश्वास किया अपने परमेश्वर के प्रोमिसेस के ऊपर, तो मैं कहूंगा बाइबल में बहुत सी गवाहियां हैं, एक गवाही आपके जीवन में भी हो जाएगी। बाइबल में बहुत से योद्धा हैं, एक नाम आपका भी उन योद्धाओं की लिस्ट में हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इब्रानियों 11 वहां लिखा है विश्वास के योद्धाओं की सूची। वो विश्वास के योद्धा थे और बाइबल में लिखा है उन्होंने इसलिए राज्य जीते, इसलिए बड़े बड़े काम किए, इसलिए शेरों के मुंह बंद किए, इसलिए तलवार की धार से बच निकले, अग्नि में ज्वाला को ठंडा किया, वहां लिखा है क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉमिस करने वाले के ऊपर विश्वास किया था। बोलिए आमीन। अगर आप योद्धाओं की सूची में आना चाहते हैं, अगर आप उनके समान एक बड़ी सूची में दर्ज होना चाहते हैं कि आपका नाम एक योद्धा के रूप में लिखा जाए, मसीह का योद्धा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा उन चैलेंजेस के बीच में, उन चुनौतियों के बीच में, उन समस्याओं के बीच में अपने परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर बिना संदेह अटल विश्वास करना शुरू कर दीजिए। कोई कहे आमीन। आपका आमीन छोटा है, जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। एक बार बोलिए हालेलुया। जब मैं पढ़ता हूं मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय, तो मुझे एक बात समझ आती है। हमारे प्रभु ने यहां पर एक उदाहरण दिया। आपको विश्वास मालूम है प्रभु ने कितना बड़ा करने के लिए कहा? मत्ती की किताब 17 अध्याय में उसके 20 पद में प्रभु ने आपको कहा मात्र राई के दाने जितना विश्वास कर। आगे देखें, परमेश्वर ने आपसे जो प्रॉमिसेस किए, वायदे किए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपसे किए, वो कभी बदलेंगे नहीं, वो कभी टलेंगे नहीं, वो कभी पलटेंगे नहीं। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा जो परमेश्वर ने आपको प्रॉमिसेस दिए, जो प्रतिज्ञाएं दिए, जो परमेश्वर ने आपसे वायदे किए, बदलेंगे नहीं, टलेंगे नहीं, पलटेंगे नहीं। अब याद रखिए, लेकिन वो वायदे आपके जीवन में पूरे हों, प्रभु ने आपको विश्वास मालूम है कितना बड़ा करने के लिए कहा? मात्र राई के दाने जितना। मत्ती 17 अध्याय के 20 पद में उसने कहा, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरकर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। और कोई बात, नेक्स्ट वर्ड बड़े पावरफुल हैं, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। हेलो, मेरी तरफ देखें, एक बार मुस्कुराएं, आपके लिए फायदे की बात है, मुस्कुराएं। मुझे देख के नहीं, साथ वाले
बहन बहन को देखकर, भाई भाई को देखकर मुस्कुराएं, अब मेरी तरफ देखें और मुस्कुराएं, जोर से मुस्कुराएं, फायदे की बात है ना। यहां लिखा है राई के दाने जितना विश्वास करो कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। चैलेंज कितना भी बड़ा हो तुम उसके ऊपर जय पालोगे, मैं ऐसा कहता हूं। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो तुम उससे पार निकल जाओगे, बाइबल ऐसा कहती है। लेकिन विश्वास वाले में कितना बड़ा करना है, सब जोर से बोलो, विश्वास कितना बड़ा करना है। हिंदी की बाइबल में लिखा है राई का दाना साग पात में सबसे छोटा होता है, साग पात में सबसे छोटा होता है, राई का दाना बहुत छोटा होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, प्रभु ने राई का दाना क्यों कहा, कई कारण है, उनमें से एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। आज मैं, मेरा संदेश ये नहीं है, कभी इसके ऊपर मनन करेंगे राई के दाने के ऊपर, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊंगा। राई के दाने की एक महत्वपूर्ण बात है, आप राई के दाने को अपने हाथ में लीजिए, साग पात में सबसे छोटा है, आप उसको जोर से अपनी उंगली से दबाइए, अंगूठे और उंगली के बीच में रख के पूरी जोर से दबाइए, और आप अपने घर के किसी मेंबर को बोलिए कि आके आपकी मदद करें, वो भी दबाएं, वो आपकी उंगली में घुस जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। मालूम है राई के दाने के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, वो छोटा है लेकिन ठोस है, हार्ड है, छोटा है लेकिन मजबूत है। राई का दाना ठोस होता है, अंदर से मजबूत होता है छोटा पर मजबूत है, उंगली से दबाने से दबता नहीं है। कितना भी जोर लगाओ, अपने घर के दो लोगों को बुला के बोलो मेरी उंगली को दबा, तब भी ना दबेगा, उंगली में घुस जाएगा। छोटा है पर ठोस है। मैं आपको कहना चाहूंगा समस्या यही है, आपका विश्वास कम होना मैटर नहीं है। ईश्वर ने तो कहा ही नहीं इतना बड़ा विश्वास लेकर आओ, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा इतना बड़ा विश्वास लेके आओ तो बड़े बड़े काम होंगे, पहाड़ हटेंगे। प्रभु ने तो बहुत छोटी सी बात बोली, राई के दाने जितना ले आओ। लेकिन प्रभु क्या कहना चाहते हैं सुनिए, आपका विश्वास कम होना समस्या नहीं है, आपका विश्वास कमजोर होना समस्या है। प्रभु कहते चाहे राई के दाने जितना विश्वास हो लेकिन अटल हो, एकदम से मजबूत हो। बोलिए आमीन। कितनों को समझ आ रहा है, प्रभु कह रहे तुम्हारे विश्वास का कम होना मैटर नहीं है, कमजोर होना मैटर है। राई के दाने जितने चलेगा पर कमजोर नहीं होना। राई का दाना छोटा है पर ठोस है, विश्वास कम है कोई दिक्कत नहीं है पर मजबूत होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर, उसके वायदों के ऊपर, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर अटल विश्वास कीजिए, वो बदलेंगी नहीं। बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। उन 10 लोगों की बात के ऊपर यकीन करने वाले लोग, 12 गए थे, 10 ने आके बोला वो देश अच्छा नहीं है, उन 10 लोगों की बात के ऊपर यकीन करने वालों में से एक भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं गया। प्रभु ने कहा अभी मार दूंगा मैं इनको, मूसा के कहने से उसने उनको माफ कर दिया, प्रभु ने उन्हें माफ कर दिया, उस समय नहीं मारा। लेकिन याद रखिए प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए। वो लोग जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर संदेह करते हैं, उनका सबसे बड़ा पाप था परमेश्वर की प्रतिज्ञा यानी उसके वायदे यानी उसके प्रॉमिसेस के ऊपर संदेह करना। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, दो लोगों ने, कालेब और जोशुआ ने, उस इतनी बड़ी मंडली में से दो लोगों ने जो भेद लेकर वापिस आए, परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर बिना शक बिना संदेह उन्होंने परमेश्वर के प्रॉमिसेस को ले लिया, उसके ऊपर स्टैंड किया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं वो दोनों कनान में अपनी हिस्सेदारी जाके पाते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर का दास होने के नाते आज के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आगे देखें और समझे इस बात को, अंडरस्टैंड करें, परमेश्वर उस बात के लिए बाध्य नहीं है जो आप कहते हैं कि वो आपके लिए करे, परमेश्वर उस बात के लिए बाध्य है जो करने के लिए उसने आपसे प्रॉमिस किया है। बोलिए आमीन। एक बार जोर से बोलिए आमीन। क्योंकि वो कहकर पलटने वाला परमेश्वर नहीं है। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो मैटर नहीं करता। अब्राहम बुजुर्ग हो चुका था, सारा की कोख सूख चुकी थी, कोई मैटर नहीं करता, बस
अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा यानी उसके प्रॉमिस के ऊपर दृढ़ता से स्टैंड किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और आज एक प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, आज के बाद मैं केवल आपके प्रॉमिसेस के ऊपर स्टैंड करूं, कभी संदेह ना करूं, जो आपने कहा कभी पलटेगा नहीं। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे कर लीजिए। आपको मालूम है, मैं जब सेवकाई में आया उससे पहले मैं बहुत बड़ा एक कर्जाई था, मेरे सर के ऊपर बहुत सा कर्जा था। सेवकाई में आने से पहले मेरे सर के ऊपर बहुत सा कर्ज था, इतना कर्ज कि मैं उसको चुका नहीं पाता था। कई लोग मुझे बेइज्जत करते थे मेरे कर्ज के कारण। मैं एक बार एक गली में गया, एक कलीसिया को अटेंड करने के लिए, जब मैं उस गली में उस घर से बाहर निकला जहां वो कलीसिया थी, वहां पर एक परिवार ने बाहर पहले से मेरी इंतजार में रो खड़े थे, कभी एक वहां से बाहर निकलेगा, और उन्होंने मुझे आवाज मार के एक वर्ड बोला, चोरों के जैसे छुपके क्यों जा रहे हो। मैं अपने कर्जे के कारण बहुत बार अपमानित हुआ, लेकिन ना मैंने 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 बाइबल को ध्यान से पढ़ने के बाद देखा, प्रभु ने बाइबल में वायदा किया है, प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा दी है। प्रभु ने कहा मैं तुझे कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनाऊंगा। मैंने बाइबल के प्रॉमिस को ले लिया, इसको पकड़ लिया, और मैं अक्सर यह बोलता था, प्रभु आपने मेरे लिए बाइबल में लिख करके दिया है, तू कर्जा लेगा नहीं, कर्जा देगा। प्रभु ये आपकी प्रतिज्ञा है, मैं इस पर स्टैंड करता हूं, और मैं अक्सर इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद दिया करता था। जैसे जैसे मैंने परमेश्वर के इस प्रॉमिस को पकड़कर प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया, परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू की, और मैंने कहा प्रभु सब बदल सकता है, लेकिन यहां कुछ लिखा है यह कभी नहीं बदलेगा। आपको मालूम है क्या हुआ, ये प्रॉमिसेस के लिए जैसे मैं धन्यवाद दे रहा हूं, एक बार समस्या और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन मैंने धन्यवाद देना बंद नहीं किया, क्योंकि शैतान चाहता था कि मैं प्रॉमिस के ऊपर विश्वास ना करूं, मैं संदेह करूं, और मैंने और ज्यादा धन्यवाद दिया, और ज्यादा प्रभु की स्तुति की। मैंने इस प्रॉमिस को लेकर परमेश्वर की स्तुति किया करता था, प्रभु आपके वचन में लिखा है मैं तुझे कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनाऊंगा। मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहता हूं, एक दिन वो आया, वो ही परिवार जो मुझे कहता है चोरों के जैसे क्यों जाते हो, परमेश्वर ने उनका पूरा पैसा चुकाने के लिए मदद किया, और एक दिन वो आया, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया है, आप थोड़ी सी मदद हमारी भी करो, हम जब होगा बाद में लौटा देंगे। मैं गवाह हूं इस बात का, जब होगा हम वापस लौटा देंगे, हम चाहते हैं कि आपके परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया, आप थोड़ी मदद हमारी करो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जो मुझे बल दिया मैंने उनकी मदद की भी, और मालूम है क्या कहे के दी, मैं आपसे वापस नहीं लूंगा क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाया। बोलिए आमीन। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ लीजिए। अगर आप बीमारी में है, मेडिकल रिपोर्ट गलत आ गई, डॉक्टर आपकी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, पकड़ लीजिए, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। गिनती में निर्गमन में बाइबल भरी पड़ी है, यशा में उसने कहा हाँ मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हैं। कोई भी एक वायदा ले लीजिए, कोई भी एक प्रतिज्ञा ले लीजिए, हर रोज उसको पकड़िए और धन्यवाद दीजिए। एक हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लीजिए, देखिए एक हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट लीजिए, कोई आएगा है मदद करने मेरी, जल्दी से इस माइक को पकड़िए, कीजिए ऐसा। मेडिकल रिपोर्ट गलत आई है, MRI सीटी स्कैन बायोप्सी की रिपोर्ट गलत आई है, एक हाथ में ले लीजिए और दूसरी तरफ बाइबल को लीजिए और कहिए मैं इस पर नहीं, जो इसमें लिखी प्रतिज्ञाएं हैं उनके ऊपर यकीन करता हूं। कोई जोर से ताली बजा सकते हैं, बोलिए हालेलुया,
हालेलुया। अपनी सारी समस्याओं की सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, जिनमें आपका कर्जा लिखा है, आपके कलेश लिखे हैं, आपकी समस्याएं लिखी हैं, आपकी चुनौतियां लिखी हैं। एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट को हर रोज अपने हाथ में लें और एक हाथ में बाइबल लें और उस लिस्ट की तरफ देख के कहें, मैं इसमें यकीन नहीं करता, ये समस्याएं, ये कर्जा, ये मुश्किलें, ये मेरे जीवन की चुनौतियां एक तरफ हैं, लेकिन एक मेरी बाइबल है, इसमें लिखा है मेरा परमेश्वर जय का परमेश्वर है, यहोवा निस्सी है, वो मुझे इन सब के ऊपर जयवंत करेगा, इन सब के ऊपर जयवंत करेगा। अपनी बाइबल को अपने हाथ में लीजिए और कहिए, मैं इसमें यकीन करता हूं, इसमें लिखी हर एक प्रतिज्ञा में यकीन करता हूं। बोलिए आमीन। रोमियो 4 में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, उसके प्रॉमिस को ले लिया और उसने संदेह नहीं किया, और आगे हम देखते हैं 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। बोलिए आमीन, कहें आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आज से अपनी समस्याओं का गुणगान ना करें, आज से अपने चैलेंजेस को फोकस ना करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर फोकस करें। आज से अपनी समस्याओं का गुणगान ना करें, मेरे जीवन में समस्या, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे घर के लोग ऐसे, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, मेरी ननान ऐसी, मेरी देरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा बॉस ऐसा, मेरी एचओडी ऐसी, मेरे कुलीग साथ काम करने वाले लोग ऐसे। आज के बाद अपनी समस्याओं को गुणगान ना करें, आज के बाद गुणगान करें, मेरे परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे महिमा का मुकुट दूंगा, मेरी बाइबल में लिखा है। मेरे परमेश्वर ने कहा मैं तेरा आदर बढ़ाऊंगा, मेरी बाइबल में लिखा है। मेरे परमेश्वर ने कहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची जमीन को चौरस करूंगा, मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मेरे परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मेरे परमेश्वर ने कहा मैं सारे हालातों को बदलने वाला परमेश्वर हूं। आज के बाद अपने चैलेंजेस का, अपनी समस्याओं को गुणगान ना करें, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का, उसके प्रॉमिसेस का गुणगान करें। कोई कहेगा आमीन, हालेलुया। धीरे बोला हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा शालोम, आप कुछ बड़ा देखने वाले अपने खुदा के द्वारा। जोर से ताली बजा के स्तुति करें, कुछ अद्भुत, कुछ महिमा में, कुछ सामर्थ्य जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। आमीन। रहते हैं मेरे 2 मिनट, अभी 2 मिनट हो रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा आगे देखें और समझें इस बात को, हमारी बाइबल में परमेश्वर ने इतिहास को दोहराया। मेरे पीछे बोलो, मेरा परमेश्वर इतिहास को दोहराता है। बोले मेरा परमेश्वर इतिहास को रिपीट करता है। आगे देखो, जो परमेश्वर ने पहले किया वो दोबारा भी कर सकता है। आगे देखिए, सुनिए, इस बात को समझिए। बाइबल में परमेश्वर ने एक जगह में समुद्र को फाड़ा और एक जगह यरदन नदी को फाड़ा। बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नए नियम में 2 बार रोटी को बढ़ाया। बाइबल में कई बार आग उतरी, सुलेमान की भेंट को लेने के लिए आग आई। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया की भेंट को लेने के लिए आग आई। प्रेरितों के काम नए नियम में पवित्र आत्मा की आग उतरी, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। परमेश्वर एक बार आग भेजकर शांत नहीं रहा, उसने दोबारा भी आग को भेजा, और केवल पुराने नियम में नहीं भेजा, नए नियम में भी भेज के बताया। अगर केवल पुराने नियम में आता तो हम कहते परमेश्वर तो पुराने नियम में काम करता है। याद रखना, परमेश्वर ने हर जगह इतिहास को रिपीट किया, जो पहले किया वो दोबारा भी किया। इस बात का प्रमाण है कि आपका परमेश्वर, जो बाइबल के उस जमाने में, जो ये बाइबल लिखी गई जब, या जो जिस समय में बाइबल की घटनाएं थी, उस समय में काम किया परमेश्वर ने, वो परमेश्वर आज भी करेगा। लेकिन एक बात है, सुनिए, एक बात है, हमेशा एक बात है, हमारा, जोर से बोलो, मेरा खुदा यहोवा एलोहीम है, क्रिएटर गॉड है, रचना करने वाला है। आगे देखो, आगे देखो,
पहले परमेश्वर ने समुद्र को दो हिस्से किया, लेकिन ये चमत्कार रिपीट किया, इतिहास को दोहराया, अगली बार यर्दन को दो हिस्से किया। यीशु मसीह ने पहली बार 5 रोटी 2 मछली को बढ़ाया। अगले चमत्कार में देखो फर्क, डिफरेंट रोटियों का जिक्र है, वहां गिनती फर्क है। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर इतिहास को रिपीट कर सकता है, लेकिन जब भी करेगा कुछ नया करेगा। ओ, ओ, कुछ समझ आ रहा है? वो इतिहास को दोहराता है, लेकिन जब भी इतिहास को दोहराएगा पुरानी बात नहीं, कुछ नई बात करके दोहराएगा। पहले समुद्र फाड़ा, बाद में नदी फाड़ी। बोलिए आमीन। यानी वो क्रिएटर है, वो जब भी करेगा कुछ नया करेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों, शालोम, मैं आपसे बोलना चाहता हूं आपके जीवन में परमेश्वर दोबारा जो बाइबल में लिखा है उसी इतिहास को रिपीट करेगा, लेकिन समथिंग न्यू, कुछ नया होगा, कुछ अद्भुत होगा, कुछ 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 महिमामय होगा। आमीन। मेरे पवित्र और जीवते परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए आज के वचन के इस सुनने के बाद हमारे हृदय में से संदेह निकले। याकूब में लिखा है, संदेह करने वाला व्यक्ति ऐसा है जो लहर के समान है, और ऐसा व्यक्ति कुछ ना उम्मीद रखे कि वो परमेश्वर से कुछ पाएगा। करुणामय पिता परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए आज के बाद हम अटल विश्वास करें कि जो मेरे प्रभु ने कह दिया वो कभी पलटने वाला नहीं। एक एक अपने बेटे बेटी को बरकत दे। मैं बाइबल के हर एक प्रॉमिस को जो भलाई के लिए आपने किया, क्योंकि जो आपने बोला आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने कहा मैं उसके लिए प्रतिबंधित हूं, आपने कहा मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं, आपने कहा मैं उसके लिए वफादार हूं। हर वो प्रॉमिस जो एक धर्मी जन के लिए आपने बाइबल में किया, मैं यीशु के नाम में शालोम के ऊपर और तमाम ऑनलाइन के सुनने वाले मेरे भाई बहनों के ऊपर, हर एक उस प्रॉमिस को जो बाइबल में यीशु के नाम में हां और आमीन के साथ रिलीज करता हूं कि वो इनके जीवन में पूरा हो। मैं आशीष के रूप में इनकी लाइफ के ऊपर उन सारे प्रॉमिसेस की घोषणा करता हूं कि वो इनकी जिंदगी में पूरे हों। एक एक को बरकत दे प्रभु, एक एक को उठाएं, एक एक के जीवन से निराशा दूर करें और पवित्र आत्मा के आनंद से आनंदित करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार इस वीक में देखने पाए, और उसकी शुरुआत आज से हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग के बातें।